यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर दो वायर लगे हुए होते हैं काफ़ी। एक ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ से जो एक वायर है कार्बन आकर या ख़राब हो जाता है या छूट जाता है। गर्मी चलने लग गई है और पंखों की लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी है, ठीक है। एकदम जैसे कि हमारे पास ये सीलिंग फैन है, ये छत का पंखा है। अब ये पंखा क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, ये कस्टमर का पंखा है और उनके ये पंखा घर पर नहीं चल रहा था, तो हमने इस पंखे के बारे में बताऊंगा। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है पंखे के, सबसे पहले मैं इस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है जिसको आप खुद घर पे फ्री में इसको रिपेयर कर सकते हैं, और फ्री का काम आप लोगों को किसी बाहर से मिस्त्री को बुलवाते हैं, 300-400 रुपये वो ले जाते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करता है, 30-40 रुपये का खर्चा होता है। कभी कभी नए भी होता है, बिल्कुल एक वायर शॉर्ट छूट जाता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ गाइस, अगर आपके सीलिंग फैन धीरे चल रहा है या बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊँगा कि आप थोड़ी सी ध्यान देकर आप वायर को चेक कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि अब सीलिंग फैन है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, अभी एक कस्टमर वो मैं खोल के लेके आए थे इस पंखे को, इसके अंदर प्रॉब्लम थी एक कैपेसिटर, ये वाला जो कैपेसिटर होता है ये वाला, इसके अंदर ख़राब हो चुका था, ठीक है ना। तो ये जब स्विच को ऑन करते हैं तब हल्का सा इतना सा घूम कर वापस रुक जाता है, उसके बाद में घूमता नहीं है, धो धो करता है, तो वो प्रॉब्लम इसके अंदर थी। तो हमने यहाँ इसकी प्रॉब्लम देखी तो सिर्फ ओनली फॉर ये पंखे का जो कैपेसिटर होता है ये ख़राब था, ठीक है ना। मैंने इस 30 रुपये के पंखे के जो कैपेसिटर हैं इसको हमने इसके अंदर डाला और बिल्कुल हाई स्पीड बन चुकी है, फुल स्पीड से पंखा चल रहा है, अब कंप्लीट है गाइस, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर ये वाले तो जैसे कि उन्होंने तो कॉल कर घर पे लेके आ गया, अब यहाँ आया इसके अंदर हमने ऑयल सर्विस भी किया, इसका मतलब 150-250 रुपये का खर्चा हो गया। अगर आप इसको सबसे पहले घर पर चेक कर लेते हैं तो इसका चेक करने का भी मैं तरीका बताऊंगा गाइस। आप वीडियो को ध्यान से देखना, चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस तरह की वीडियो डेली की डेली देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैं इलेक्ट्रिक संबंधी ही वीडियोज डालता रहता हूँ और आपको जानकारी देता रहता हूँ। वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। ये आपका काम है, बस हमारा वीडियो बनाने का काम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही बताऊँगा, अगर आपके पंखा नहीं चल रहा है या स्लो चल रहा है, ठीक है ना, ये वाली जो प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है मैं ध्यान से देखना। जिसको जैसे कि आपका सीलिंग फैन छत का है वो धीरे चल रहा है, तो हो सकता है ये खराब हो गया हो, ठीक है। और इसको चेक कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर दो वायर लगे हुए होते हैं काफ़ी। एक ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ से जो एक वायर है कार्बन आकर या ख़राब हो जाता है या छूट जाता है, एक वायर लूज हो जाता है, इसकी वजह से भी ये नहीं चल पाता है, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम है, अगर ये धीरे चल रहा है, बिल्कुल स्लो चल रहा है, ठीक है, चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है, तो इसके अंदर क्या है गाइस, ये वाली प्रॉब्लम होती है कैपेसिटर की, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ट्राई करें सिर्फ दो वायर खोलना है, यहाँ से जैसे खोले वैसे ही वापस लगाना है, ध्यान रख याद रखना, ठीक है। पहले आपको इस वायर को दुकान पर दिखाने या मिस्त्री को दिखाने से पहले आपको क्या करना है, कैपेसिटर को खोलना है और बोर्ड के अंदर लगाना है, ठीक है। एक तरीका चेक करने का, जैसे कि हमारे पास एक ये बोर्ड है, ठीक है। अब इसको हमने छत के पंखे से जैसे कि हमने खोल लिया, चेक करना सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले तो होती कुछ तो आप इसी को चेंज करें ताकि पंखा हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके चेंज करने के बावजूद भी अगर ये धीरे चल रहे हैं तो कहीं जिसके अंदर मोटर प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आती है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, हमने कुछ सेकेंड के लिए घर के बोर्ड में कहीं भी इसको दोनों वायर को इसके अंदर डाल देना, ठीक है। डरने की कोई दिक्कत नहीं है, फटने वटने का कोई चांस नहीं है, ऐसे डरना नहीं है आपको। दोनों वायर को इसके अंदर स्विच को ऑन करके इसके अंदर डाल देना, ठीक है। ये आवाज़ आई इस पार्किंग की, इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए इसको अंदर रखना ताकि ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक करने का यही प्रोसेस है। अब हमने इसको एक कुछ सेकंड के लिए प्लग के अंदर डाला, ये चार्ज हो गया। अब इस वायर को हम वापस शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद में जैसे ही हम शॉर्ट करेंगे इसके अंदर स्पार्किंग होगी और हाथ नहीं लगाना, इसके अंदर झटका आता है करंट चार्ज और का। अगर ये सही होगा तो इसके अंदर इस तरीके से ये जैसे स्पार्किंग करेगी थोड़ा सा तेज करेगा, ठीक है। अगर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो ये ख़राब है गाइस, ठीक है। तो
आज की इस वीडियो में यही था, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि काफ़ी लोगों के मतलब 30-40 रुपए के आइटम को डालकर आप घर पे इसको रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बिना खोले, ठीक है ना। हाँ, और अगर आप मार्केट से मिस्त्री को बुलाओगे तो 400-300 रुपए लेकर जाएगा, ठीक है। और इसलिए मैं कहता हूँ अगर सीलिंग फैन धीरे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, तो कैपेसिटर चेंज कर लीजिए, हाई स्पीड हो जाएगी, जैसे नया पंखा स्पीड हवा देता है उस तरीके से ये सीलिंग फैन हवा देगा गाइस, ठीक है, जिस तरीके से। तो पंखा धीरे चल रहा है या दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम हल्का सा, और इसको दो दो की आवाज़ करते हैं, चलाते हैं, थोड़ा सा हिलता है तो ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, इसको चेंज कर लीजिएगा, पहले आप घर पे ट्राई करें ये वाला, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मेरे दोस्त।